दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर में कोरोना से बचे होंगे। आज की वीडियो जो है वो आपको बताने के लिए कि अच्छी सी ने एक अच्छी सी की तरह से एक बड़ी खुशखबरी है और उसके बाद आप लोग 2 डिग्रियाँ एट ए टाइम कर सकते हो। और अगर किसी को इश्यू होगा तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन जो कि HEC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को जिनको मेरे ऊपर यकीन नहीं है उनको यकीन आ जाए। और अगर अभी भी यकीन नहीं आता तो वो एक HEC को लेटर भेज के इसकी वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि 2 डिग्रियाँ एट ए टाइम सेम टाइम पर नहीं होंगी। उसकी कुछ रिकमेंडेशन है, वो भी मैं आप लोगों को इसी चैनल में बताऊँगा। तो आपने मेरे चैनल AIOU Info को नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकॉन प्रेस कर दो। और बेल के आइकॉन पर जैसे प्रेस करोगे तो ऑल पर क्लिक करना नहीं भूलोगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते ही मैं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लिंक चेक कर रहे हो HEC.gov, ठीक है? अगर आपको यकीन होगा कि मैंने इसमें कोई एडिट किया तो मैं आपके सामने इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है? ताकि पेज को रीलोड करने भी तो मैं आपके सामने ये देखो अगेन रीलोड किया और सेम वेबसाइट। अब इन्होंने 2015 का ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक है कि पॉलिसी ऑफ 2 डिग्री अवॉर्डेड द सेम ईयर एंड सेशन क्लैश विद द सेम और डिफरेंट मोड, कि आपकी डिग्री अगर तो सेम टाइम पर है, सेम सेशन यानी कि एक साल में ही आपकी डिग्री है, तो वो किस तरह अलाउ होगी और किस तरह नहीं। बैचलर्स या मास्टर डिग्री आप कर रहे हो कि रेगुलर मोड इन मॉर्निंग सेशन इन यूनिवर्सिटी, अगर आप सुबह के टाइम पढ़ रहे हो किसी मॉर्निंग सेशन में और दूसरी डिग्री आप भी मॉर्निंग में कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप मुल्तान की किसी यूनिवर्सिटी से आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो वो अलाउ नहीं होगी अगर टाइम सेम होगा, ठीक है? बैचलर्स मास्टर डिग्री ऑब्टेनिंग रेगुलर मोड इन मॉर्निंग सेशन इन वन यूनिवर्सिटी और ये जो है डिग्री मोड इन मॉर्निंग सेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अगर तो सेम यूनिवर्सिटी में हो तब भी नहीं होगी, अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो तब भी अलाउ नहीं करेंगे ये। इसके अलावा रेगुलर मोड इन मॉर्निंग सेशन इन वन यूनिवर्सिटी एंड मास्टर डिग्री ऑब्टेनिंग इन रेगुलर मोड इन इवनिंग सेशन इन सेम यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब ये दोनों में डिफरेंट है कि एक रेगुलर मोड में मॉर्निंग में है, एक रेगुलर मोड में इवनिंग में है। दिस कम्बिनेशन ऑफ डिग्री अलाउड प्रोवाइडेड दैट एडमिशन रिक्वायरमेंट इज मेट, यानी कि ये वाले जो कंडीशन है, एक मॉर्निंग कर रहे हो और एक आप इवनिंग कर रहे हो तो दोनों अलाउ हैं, मगर आपको रिटर्न परमिशन लेनी होगी यूनिवर्सिटी से। रिटर्न परमिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिफोर द ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी को आगाह करना होगा कि भाई आप जो है वो 2 डिग्री एट ए टाइम कर रहे हो और आपको अलाउ किया जाए। अच्छा, उसके बाद कहता है मास्टर डिग्री ऑब्टेनिंग इन रेगुलर मोड इन मॉर्निंग सेशन इन वन यूनिवर्सिटी, आप एक जो है वो मॉर्निंग में कर रहे हो और दूसरी डिग्री आप कर रहे हो रेगुलर मोड इन इवनिंग सेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। द कम्बिनेशन दोनों अलाउ हैं, लेकिन आपको दोनों यूनिवर्सिटी से ऑब्टेनिंग परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये परमिशन आपको वेरिफिकेशन के टाइम या फिर अगर आप दोनों डिग्रियों को कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है वो लेनी पड़ सकती है। अच्छा, मास्टर या बैचलर, मास्टर होता है 16 ईयर और 16 साल तालीम और बैचलर होता है 14 साल तालीम। आर डिग्री ऑब्टेनिंग इन रेगुलर मोड इन वन यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इन सेम यूनिवर्सिटी, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहे हो और एक यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर रहे हो तो अलाउ है, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बैचलर्स मास्टर डिग्री इन रेगुलर मोड, बैचलर्स मास्टर डिग्री इन प्राइवेट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अगर सेम यूनिवर्सिटी हो तब भी अलाउ है, अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी हो तब भी अलाउ है। मास्टर डिग्री ऑब्टेनिंग इन रेगुलर मोड इन द सेम सुपरविजन, देखो दोस्तों आपका कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, आप 2 डिग्रियाँ एट टाइम कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलोगे, आपके सामने नोटिफिकेशन आ रहा है, लिंक आपके सामने ओपन है, ठीक है? जहाँ पे मैं तमाम पॉइंट्स को आप जैसे है ये इसको रीड आउट कर लोगे, मैं जस्ट आपको यहाँ पे जो है इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बताने लगा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो।
बैचलर्स मास्टर डिग्री इन प्राइवेट मूड उन वन यूनिवर्सिटी एज ए सेम, और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप डिसिप्लिनरी सेशन। इसी तरह अगर आपने एक ये देख रहे हो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन साइंस, यानी कि आप एमए कर रहे हो एक यूनिवर्सिटी से, और दूसरा आप डिस्टेंस लर्निंग जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको करवाती है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी आपको करवाती है डिस्टेंस लर्निंग, तो वो भी अलाउ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको किस चेक के रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड है, और आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूँ विद नोटिफिकेशन विद प्रूफ। मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपको फेक न्यूज़ हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे, और अगर आपका कोई भी इशू होता है या आपने ये नोटिफिकेशन देखना है तो आप www.AIOU.info, ये URL है, आप जस्ट गूगल पर AIOU इन्फो लिखो के तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। आपने उसको लाइक भी करना है, और वहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी इशू नहीं होगा, अगर इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे जवाब दोगे। अगर मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी कमेंट का जवाब दूंगा, अगर कमेंट का जवाब ना भी दे सकूँ तो प्लीज़ अपनी कमेंट को आप अगेन कमेंट करो, ताकि मुझे जो है वो काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही होती हैं तो मैं सबको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, और अगर मिस हो जाता तो फिर मुझे अगेन कमेंट आपकी आएगी तो मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूल।